नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सेवा का अवसर जाने न दिया। ये भी ग्रहण कीजिए। चाहे वो कोई सामान्य भाविक जन हो या फिर स्वयं गंगा जी भी क्यों न हो। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः हरिद्वार में यहां आपको कोई शांत जगह नहीं मिलेगी। मेरे साथ आइए, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूं जहां शांति हो, एकांत हो। आज तक बहुत सारे साधु संत योगी महर्षि यहाँ आए हैं, परंतु इतने भावपूर्वक किसी की सेवा करते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा।
कौन है ये? जो कुछ भी है यही है। इनके आगमन से हरिद्वार सच में हरि का द्वार बन गया। हाँ? आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमें दर्शन दिए। सबकी भक्ति का स्वीकार करना और ज्ञान की परम अवस्था में रहते हुए भी भक्ति का एक भी अवसर जाने न देना, वो नीलकंठ वर्णी की निजी रीत थी। जन्माष्टमी के दिनों में नीलकंठ वर्णी तपोवन आ पहुंचे। इस तपोवन में रम्यक मुनि और ध्रुव जी से लेकर आज तक बहुत ऋषियों ने तपश्चर्या की है, पर हम लोग सबसे अधिक भाग्यशाली है कि स्वयं आप हमें कल्याण प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। मैं मुमुक्षों से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु। यहाँ ऋषिकेश में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने तपश्चर्या की थी, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रचलित है। यहाँ उपवित परिवर्तन करने की विशेष महिमा है। मनुष्यों और परमात्मा के बीच का एक मार्ग प्रस्थापित करने के लिए कटिबद्ध और भवसागर में डूब रहे जीवों को उबारने के लिए संकल्पबद्ध नीलकंठ वर्णी ने गढ़वाल प्रदेश में अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया।